वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोयम द लोटस ईटर्स। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोयम होमर के ओडिसी से ली है, उसका एक पार्ट है द लोटस ईटर्स, उससे उन्होंने ये पोयम ली है। लोटस एक लैंड का नाम है जहाँ पर यूलिसिस और उसके कंपेनियन ट्रॉय का युद्ध करके जब वापस अपने देश में जा रहे थे तो ये सब लोग समुद्र में एक लैंड पर फंस जाते हैं। तो वहाँ का वातावरण जो एकदम नीरस होता है, एक आलस्य से भरा हुआ होता है, तो ये लोग जब युद्ध करते हुए घर जा रहे थे तो ये लोग भी बहुत थक चुके होते हैं। तो ये वहाँ पर इनका भी स्वभाव उसी प्रकार का हो जाता है जिस प्रकार का वो लैंड रहता है आलस्य से भरा हुआ, तो ये लोग भी वहाँ पर आलस्य से भरे हुए हो जाते हैं। लोटस एक अफ्रीकन पौधा है, उसको इस पोएम में रेफर किया गया है। पोएम में जो यूलिसिस है वो अपने साथियों को कह रहे हैं कि तुम लोग साहस रखो, क्या है वो फंस चुके हैं वहाँ पे, अब वो ये सोचते हैं कि हम घर किस प्रकार जाएंगे। तो वो यूँ कहते हैं कि आप साहस रखो किस और हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। इस तरह से जो यूलिसिस है वो अपने कंपेनियन से बातें कर रहा है, वही सब इस पोएम में वर्णन किया गया है। अब हम इस पोयम को स्टार्ट करते हैं। यूलिसिस है जो अब अपने साथियों को बोलते हैं करेज के साथ कि आप लोग करेज रखो। ही सेड, वो कहते हैं कि आप सब लोग साहस रखो एंड पॉइंटेड टूवर्ड द लैंड, और जो सामने की तरफ लैंड रहता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। दीज माउंटेनिंग वेव्स, और जो ये ऊपर नीचे करने वाली वेव्स है जो लहरें हैं, विल रोल अस शॉवर्ड सून, जो हमें जल्दी ही किनारे तक पहुँचा देगी। इन द आफ्टरनून दे केम अनटू अ लैंड, और जो ये लोग थे इस लैंड पर आफ्टरनून मतलब दोपहर के समय आए थे। इन विच इट सीम ऑलवेज आफ्टरनून, और यहाँ पर हमेशा ही आफ्टरनून ही प्रतीत होती है, मतलब इस लैंड पे हमेशा ही दोपहर रहती है। ऑल राउंड द कोस्ट द लैंग्विड एयर डिड स्वून, और जो ये कोस्ट है मतलब जो ये जगह है वहाँ पर हमेशा ही लैंग्विड एयर मतलब आलस्य से भरी हुई एयर हवाएं चलती रहती हैं। ब्रीथिंग लाइक वन हैट अ वेवरी ड्रीम, और ये इस प्रकार रहती है जैसे एक व्यक्ति थका हुआ ड्रीम देखता है, उसी प्रकार यहाँ का वातावरण है। फुल फेस्ड अबव द वैली स्टूड द मून, और जो सामने घाटी है उस पर जो मून है बिल्कुल फुल फेस्ड मतलब पूरा चंद्रमा निकला हुआ है। एंड लाइक अ डाउनवर्ड स्मोक, और जो ये कोहरे की तरह नीचे की तरफ जो ये नदियाँ हैं वो बह रही है। द स्लेंडर्ड सीम, और जो ये नदियाँ हैं ये पतली पतली है मतलब बिल्कुल कोहरे के समान जो ये नदियाँ हैं वो नीचे की तरफ बह रही है। अलॉन्ग द क्लिफ टू फॉल एंड पॉज एंड फॉल डिड सीम, और ये जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से जा रही है, निकल रही है, ठहर रही है ये नदियाँ, फिर बह रही है, फिर ठहर रही है, उस प्रकार ये नदियाँ हैं। अ लैंड ऑफ स्ट्रीम्स, मतलब जो ये लैंड है ये जगह है वो नदियों की है, स्ट्रीम्स की है। सम लाइक अ डाउनवर्ड स्मोक, कुछ किस प्रकार है जो नीचे की तरफ कोहरा जाता है उस प्रकार है। स्लो ड्रॉपिंग व्हील्स ऑफ थाइनेस्ट लॉर्ड डिड गो, और जो ये नदियाँ हैं धीरे धीरे बहती है एक जाली के समान, जिससे जाल लगा होता है कोहरे के ऊपर जाल लग जाता है उसी प्रकार ये नदियाँ हैं। एंड सम थ्रो वेविंग लाइट्स एंड शेडो ब्रोक, और जो ये नदियाँ हैं इनके ऊपर किसी पर लाइट गिर रही है और परछाइयाँ शेडो भी गिर रहा है। रोलिंग अ स्रमला स्ट्रीट ऑफ फॉर्म बिलो, और ये जो नदियाँ हैं नीचे की तरफ गिरती है तो जिस प्रकार झाग हो जाता है उसी प्रकार ये नदियाँ भी हो जाती है। दे सॉ द ग्लिमरिंग रिवर्स सीवर्ड फ्लो, और जो ये लोग हैं वो देख रहे हैं जो रिवर्स हैं चमकती हुई नदियाँ हैं वो समुद्र की तरफ मिलने को जा रही है, मतलब समुद्र से मिलने के लिए जा रही है। फ्रॉम द इनर लैंड, अब जो ये लोग हैं मतलब यहाँ से सीन चेंज हो जाता है कि जो ये लैंड है वहाँ से ऑफ थ्री माउंटेन टॉप्स, जो तीन पर्वत हैं उनकी ऊंचाई पर ये लोग देखते हैं। थ्री साइलेंट पिनाकल्स ऑफ एज स्नो, कि ये जो पिनाकल्स हैं मतलब जो टॉप्स हैं उन पर्वतों की, उन पर बर्फ़ जमी हुई है, जो बहुत ही पुरानी बर्फ उन पर जमी हुई है। स्टूड सनसेट फ्लश्ड, और जो ये सनसेट है मतलब सूर्यास्त का समय हो चुका है, और जो ये वातावरण है जो आकाश है वहाँ पर लाल लाल सी जो लालिमा है वो छा गई है। ड्यूड विथ शावरी ड्रॉप्स, ड्यूड मीन्स ओस के जो कण होते हैं वो अपनी जो बौछार है शॉवर्स कर रहे हैं। अप क्लोम द शेडो पाइन अबव द वोवेन कॉप्स, और जो ये शेडो पाइन है मतलब जो पाइन का ट्री है वो माउंटेन के आसपास एक परछाई के रूप में ऊपर चढ़ रहा है, जैसे कि एक चटाई बन गई है उस प्रकार ये माउंटेन्स पर चढ़ रहे हैं।
द चार्म सनसेट लिंगर्ड लो अडाउन, और जो ये सनसेट का टाइम था वो बहुत चार्म्ड था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। लिंगर्ड लो अडाउन, वो अब रुक गया था, मतलब सूर्य भी अस्त होने में अब देरी कर रहा था। इन द रेस्ट वेस्ट, और जो ये वेस्ट में जब सूर्य अस्त होता है तो सारा वातावरण लाल हो जाता है, उसी प्रकार वह वातावरण हो चुका था। थ्रू माउंटेन क्लिफ्ट द डेल वॉज सीन फेयर इनलैंड, और जो ये माउंटेन्स है, मतलब जो ये पर्वतें थी, उनकी जो दरारें थी उसमें से वो उस लैंड को देख सकते थे। एंड द येलो डाउन, जो येलो कलर के जो फील्ड्स थे, मतलब जो खेत थे वो पीले कलर के थे, बॉर्डर्ड विथ पाम, जिनके मतलब आसपास पाम के ट्रीज थे, वो बॉर्डर हो चुकी थी एक पाम के ट्रीज थे। एंड मैनी अ विंडलिंग वेल एंड मेडो सेट विथ स्लेंडर गेंगले, कि जो ये वेल्स थी, मतलब जो हवाएं थी विंडनिंग, और जो मेडो थे, जो चारा ग्रह थे, वो एक पतली पतली जिंजर की जो ट्रीज के पौधे थे उनसे बंधे हुए थे। अ लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम द सेम, यह एक ऐसा लैंड था जहाँ पर सभी चीज़ एक जैसी ही प्रतीत होती थी। ऑल राउंड अबाउट द नील विथ पेल फेसिस, और जो सूर्य अस्त का समय था, इस समय ऑल राउंड मतलब चारों तरफ कुछ लोग आ गए थे। विथ पेल फेसिस, मतलब उनके जो फेस थे वो पीले थे। डार्क फेसिस, उनके जो फेस थे वो डार्क कलर के थे। पेल अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे, मतलब जो रोजी फ्लेम, जैसे सूर्य अस्त हो रहा था तो उस समय जो कलर हो चुका था वो रेडिश हो चुका था, तो उस रेडिश कलर में वो लोग जो आए थे, उन लोगों के आसपास चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे, वो पीले लग रहे थे। द माइल्ड आइड मेलनकली लोटस ईटर्स केम, और उनकी आंखें थी एकदम माइल्ड थी, मतलब काम थी, वो लोग फ्रेंडली दिख रहे थे और शांत दिख रहे थे, उदासीन थे। लोटस ईटर्स केम, जो उस लैंड पर रहने वाले लोग थे वो लोटस ईटर, वो लोग वहाँ पर आ गए थे। ब्रांचेस दे बोर ऑफ द एन्चांटेड स्टीम, और वो जो लोटस ईटर्स वहाँ पर आ गए थे वो अपने साथ ब्रांचेस लेके आए। लेडन विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट, वो ब्रांच थी वो लदी हुई थी फ्लावर्स से, फूलों से और फ्रूट से। वेयर ऑफ दे गेव टू ईच, और उन्होंने वो ब्रांचेस हम सबको एक एक दी। बट हुज डिड रिसीव ऑफ देम एंड टेस्ट, लेकिन हम में से, मतलब जो वो कंपेनियन थे, उनके साथी थे, उनमें से किसी किसी ने ही वो ली एंड टेस्ट, और उसे खाया। टू हिम द ग्रशिंग ऑफ द वेव फार फार अवे डिड सीम टू मॉन एंड रेव ऑन एलियन शोर, तो जिसने भी उनको खाई, टेस्ट करी, उसमें से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे लहरों की आवाज़ आ रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जो मॉर्न है, मतलब जो लहरें हैं वो मॉर्न यानी दुखी हो रही है, रो रही है। ऑन द एलियन शोर्स, जो एलियन शोर है वहाँ पर जो लहरें हैं वो दुखी हो रही है, मॉर्न कर रही हो, इस प्रकार वो खाने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ। एंड इफ हिज फेलो स्पेक हिज वॉइस वॉज थिन, और उनमें से कुछ ही लोग बोल पा रहे थे, और जो बोल पा रहे थे उनकी आवाज़ भी बहुत थिन यानी पतली थी। एज वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आवाज़ जो ग्रेव से आ रही है, मतलब कब्र से उनकी आवाज़ें आ रही है। एंड डीप असलीप ही सीम्ड येट ऑल अवेक, और वो ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि जैसे वो एक गहरी नींद में सो चुके हों, और ऐसा लग रहा था जैसे वो जाग भी रहे हों, मतलब वो लोग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सो भी रहे हों और जाग भी रहे हों। एंड म्यूजिक इन हिज ईयर हिज बीटिंग हार्ट डिड मेक, और उन्हें, मतलब जो उनके हार्ट की आवाज़ है, हृदय की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जैसे कि उनके कानों में म्यूजिक बज रहा हो, इस प्रकार उन्हें अपने हृदय की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब जिन लोगों ने भी वो लोटस खाए थे, मतलब जो ब्रांचेस वो लोटस ईटर्स लेके आए थे, उन्होंने वो खाए थे, वो लोग दे सेट देम डाउन अपॉन द येलो सैंड, वो वहीं बैठ गए पीली रेत पर, वो लोग वहीं बैठ गए। बिटवीन द सन एंड द मून अपॉन द शोर, और जो वहाँ पर ना सन था ना मून था, मतलब शाम का समय हो चुका था। एंड स्वीट इट वॉज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड ऑफ चाइल्ड एंड वाइफ एंड स्लीप, और उन लोगों के लिए, मतलब वो ड्रीम्स करने लगे उनकी फादरलैंड के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी पत्नियों के बारे में, उनके नौकर के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें वो पीछे छोड़ कर आए थे उन सब के बारे में वो एक तरह से सोचने लगे, ड्रीम्स करने लगे। बट एवरी मोर मोस्ट वेरी सीम द सी वेरी द रोर वेरी द वॉन्डरिंग फील ऑफ बैरन फॉर्म, और जो ये सब था उन्हें सब कुछ थका हुआ प्रतीत होने लगा, जो सागर है, जो ओर है, जो ये फील्ड्स है और जो बैरन फॉर्म्स है, वो सब उन्हें वेरी, मतलब थके हुए प्रतीत हो रहे थे।
देन समवन सेड, उनमें से किसी ने कहा वी विल रिटर्न नो मोर, कि अब हम अपने घर नहीं जाएंगे. एंड ऑल एट वंस दे सैंग, और उन्होंने सभी ने साथ में गाया आर इजलैंड होम इज फार बियॉन्ड द वेव वी विल नो लॉन्गर रोम, कि हमारा जो आइलैंड है, कि मतलब जो हमारा घर है, वो बहुत ही दूर है. बियॉन्ड द वेव मतलब वो लहरों के भी परे हैं. वी विल नो लॉन्गर रोम, अब हम और अधिक नहीं भटकेंगे, अब हम यहीं रहेंगे.